टाइगर हिल ब्रिगेड और एक माउंटेन डिवीजन की जानिब से आर्मी वेटरन्स और एक्स सर्विसमैन के लिए एक रैली रखा है प्री कारगिल विजय दिवस इवेंट के हिसाब से। आपको बताते चलिए इस रैली में खासकर वॉर वेटरन्स हैं, वीर नारीस हैं और उसके अलावा एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग फैसिलिटीज पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है, चाहे वो मेडिकल फैसिलिटी की बात करें, उसके अलावा अलग अलग जो एक्स सर्विसमैन के लिए फैसिलिटी की जरूरत होता है वो आर्मी की तरफ से टाइगर हिल ब्रिगेड की तरफ से पहुंचाने की कोशिश। टाइगर हिल ब्रिगेड के ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना के तौर पर शिरकत करेंगे। आपको बताते चले ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना खुद कारगिल वॉर के हीरो रहे हैं और वीर चक्र मिला है और 99 वॉर के दौरान उन फ्रंट लाइन बैटल फील्ड और इसके अलावा आर्मी वेटरन में से महावीर स्वरम मौचुक जो कि देश भर में मशहूर है कारगिल वॉर हीरो रहे हैं सक्सेसफुल 99 वॉर के दौरान ऑपरेशन के लिए महावीर चक्र से भी है सेकंड हाईएस्ट एंट्री अवार्ड से भी नवाजा गया है। इसके अलावा आपको बताते चले वेटरन्स में से सिरिंग स्टॉकटन जो कि ऑनररी कैप्टन हैं और चक्र हैं वो भी इस में शिरकत कर रहे हैं। ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ सैकड़ों की तादाद आर्मी पर्सनल्स के अलावा आर्मी वेटरन्स हैं, वीर नारीज हैं और साथ जो लोगों को फैसिलिटी पहुंचाने अलग अलग स्टॉल्स लगाए गए सी के जो आर्मी पर्सनल्स की जानिब से डॉक्टर्स की जानिब से फैसिलिटी पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। उसके अलावा यहां पे देख सकते हैं बहुत सारे जो आर्मी पर्सनल्स हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वीर नारीज हैं, वॉर वेटरन्स हैं, आर्मी वेटरन्स हैं, यहां से फायदा ले रहे हैं और ये प्री कारगिल विजय दिवस के हवाले से एक अहम इवेंट टाइगर हिल ब्रिगेड 8 माउंटेन डिवीजन की जानिब से मुनक्किद किया गया है और इस इवेंट में मुख्तलिफ जो एक्स सर्विस मैन हैं वो अलग अलग तरीके के फैसिलिटीज उन तक पहुंचाने की कोशिश किया जा रहा है। और इस रिपोर्ट में हम आप तक महावीर चक्र सोना मौचुक से भी हमने बात की। महावीर चक्र सोना मौचुक क्या कुछ कहते हैं, आप इस इवेंट के बारे में क्या कुछ कहते हैं वो आप तक पहुँचाएंगे, बने रहिए हमारे साथ और उनका फायदा उठाइए। आप सभी से अनुरोध है कि यहाँ मौजूद सभी सुविधाओं का भरपूर फायदा उठाएं। एक्सपर्ट हैं आप, कृपया उनसे अपनी जो भी आपके हर समस्या को यहाँ से दूर करने की कोशिश जरूर की जाएगी और हम सब मिलकर इस रैली को जरूर सफल बनाएंगे। मुझे करता हूँ आप अपने जितने भी स्टॉल हैं, जितनी भी समस्याएं हैं कृपया करके लिखाइए और उन स्टॉल पे जरूर जाइए। धन्यवाद, जय हिंद। मानना पड़ेगा सर, मैं पोस्ट पे गया था जो आपने कैप्चर किया है, इतनी मुश्किल पोस्ट में चढ़ा और भी ऊपर दुश्मन बैठा हुआ है, काबिल तारीफ है। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके भी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि सारे सोनम वाले जिन्होंने कैप्चर किया सब यहीं पर आगे, बड़ी अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात। आमचुक साहब उनका भी एड्रेस होना बाकी है, मगर मुझे ये बताया गया है कि काफी सारे चीजों के बारे में आपको यहाँ विस्तार से जानकारी दी गई है। सर रिस्पेक्टेड वांचू सर, सुविधा शेरिंग साहब, सुविधा हुसैन साहब और यहाँ पर सभी आए बड़े बड़े एक्स सर्विसमैन जिनसे मैं अगर मैं बैठना शुरू करूं और उनसे बातचीत करूं तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ हफ्ते भर आराम से बैठ सकता हूँ आपकी कहानियां सुनने के लिए। और आप सभी लोगों के पास में LSRC के रिकॉर्ड्स के, DRDO के साइंटिस्ट के हैं, SBI के नुमाइंदे यहाँ पर आए थे और अच्छा ऐसा क्या एक सेक्शन ऑफिसर आएगा नहीं आएगा आए हैं और आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके पास हम ले जाते हैं। हमारे समक्ष आकर अपने विचार व्यक्त करें माननीय ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना। अभी जो कारगिल विजय दिवस हम मनाने वाले हैं, 23 साल हमारे कारगिल युद्ध को जीते हुए हो गए हैं, उसके उपलक्ष्य में हमने आज एक एक्स सर्विसमैन रैली टाइगर हिल ब्रिगेड
8 डिव के अंतर्गत अचिनाथांग में की है, जिसके तहत कर्नल सोनम वांगचुक महावीर चक्र, सुविधा मेजर शेरिंग स्टोपदेन ऑनरेरी कैप्टन वीर चक्र, ब्रिगेडियर मोहित सक्सेना कमांडर टाइगर हिल ब्रिगेड वीर चक्र उपस्थित थे। उनके साथ साथ तकरीबन 200 से ज़्यादा एक्सर्समैन ले प्रांत के सब ने आए यहाँ पे और वन स्टॉप सॉल्यूशन इनको दिया गया, जैसे कि लद्दाख रिकॉर्ड्स, DRDO सेल दिहार, डेंटल चेकअप, मेडिकल चेकअप और इसके अलावा जितने भी बैंक्स हैं जिनमें इनकी पेंशन आती है सबका निवारण किया गया और ये अच्छे तरीके से किया गया और इनका पूरा निवारण और इनका तरीके से आज इस उपलक्ष्य में किया गया। सर, आने वाले दिनों में और भी पब्लिक आर्मी रिलेशनशिप और भी बढ़ावा के लिए क्या क्या ऑन अपकमिंग प्रोग्राम्स होंगे सर इंडियन आर्मी द्वारा? इंडियन आर्मी जैसे कि अपने सिद्धांत पे चलती है, आउटरीच टू वेटरन्स, आउटरीच टू सिविलियंस, चाहे आप इतने दिनों में देख रहे हैं, चाहे हमारी फॉरवर्ड इन ऑप्स डिवीज़न 8 डिवीज़न, हमारी ब्रिगेड और 14 कोर, जितने भी चाहे यहाँ पर जितने भी सिविलियंस हो, वेटरन्स हो, एक्स सर्विसमैन हो और जितने भी टूरिस्ट हो, उनकी हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए हरदम तत्पर रहती हैं। तो और भी आने वाले दिनों में ऑफ सद्भावना के तहत या आउटरीच टू वेटरन्स, इसके तहत हम जरूर काम करेंगे और आगे भी काम कर रहे हैं। धन्यवाद। टाइगर हिल ब्रिगेड 8 माउंटेन डिवीजन की जानिब से वॉर वेटरन्स और खासकर आर्मी वेटरन सर्विसमैन्स के लिए एक रैली आयोजन किया है। आपको बता, कारगिल विजय दिवस पास है और ये प्री कारगिल विजय एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज। हमारे साथ बात करने के लिए कारगिल हीरो के कारगिल वॉर महावीर चक्र कर्नल साहब से ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। कारगिल वॉर पास जो कारगिल विजय दिवस में है, तो क्या कुछ आप कहना चाहते हैं पहले एक सर्विसमैन के इतना बड़ा इवेंट टाइगर हिल ब्रिगेड ने ऑर्गेनाइज किया है? टाइगर हिल ब्रिगेड डिवीजन, ब्रिगेड और डिवीजन ब्रिगेड भी जो कारगिल की लड़ाई के साथ संबंध रखता है और आपको मालूम है कि कारगिल जो है वहाँ पर मेजर इंट्रूजन हुआ था और ये ब्रिगेड जो है 192 और उसके बाद 8 माउंटेन जो उन्होंने दोनों ने वहाँ के ट्रूप्स ने मिल के रिपल्स किया था हम लोगों ने इंट्रूजन को, वो ये बहुत खास हमारे लिए ओकेजन होगा। 23rd जो वर्षगांठ है, एनिवर्सरी बोलेंगे हम लोग कारगिल वॉर का, तो ये बहुत मायने रखता है एंड उसी उपलक्ष्य में इन्होंने एक सर्विसमैन का जो रैली रखा है वो मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी तरह से इन्होंने उसको आयोजन किया है और बड़े ही सोच के साथ, बड़े ख्याल के साथ, अच्छे विचार के साथ इन्होंने इसका आयोजन किया और मैं देख रहा हूँ हर एक रेप्स हैं यहाँ पे जो एक सर्विसमैन के प्रॉब्लम्स को हल करेगा या उसका निवारण करेगा और उसका मैं भी एक हिस्सा हूँ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस और अभी हाल ही में मैं ऑफिशिएट भी कर रहा हूँ एज डायरेक्टर राज्य सैनिक बोर्ड। जब तक राज्य सैनिक बोर्ड की स्थापना नहीं हो जाती तो मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, मुझे ड्यूटी दिया गया है जिसको मैं जितना भी हो सके अच्छी तरह से निभाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसी उपलक्ष्य में मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि जितने भी हमारे एक सर्विसमैन हैं उनके साथ मिल के और उनके हल प्रॉब्लम का हल करूँ, निवारण करूँ, ये मेरी कोशिश है। और मैंने पहले भी बोला था कि मैं हर एक सर्विसमैन जितने भी हैं यहाँ पे उनके घर घर जाके, उनके गांव में जाके उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ और बारीकी से उनके प्रॉब्लम का मैं जायजा लेना चाहता हूँ ताकि उसको मैं रिजॉल्व कर सकूँ, उसको हल कर सकूँ अपने लेवल पे जो हो सकता है अपने लेवल पे, बाकी नहीं तो फिर सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो हमने मुद्दे उठाने हैं तो उनके जरिए मुद्दा उठा के या फिर मतलब अपने जो फौजी चैनल्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए मुद्दों का हल करना, तो ये मेरी कोशिश रहेगी उनकी तरफ उनके पास या उनका उनसे मतलब उस चैनल से मतलब प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना। कर्नल साहब, हम आपकी अध्ययनी 23 साल पहले की एक उस दिन की तरफ कराते हैं जब आप जवान थे और आज भी आपने अपना सियान मेंटेन रखा हुआ है, आप में एक जज्बा था क्योंकि उस वक्त हम आपसे मिले थे, आपने एक बात कही थी मैं डू और डाई करूँ या मारूंगा, तो उस लड़ाई का कोई ऐसा हमें वाकया बता दीजिए जो आज आपको याद हो। बिल्कुल जी, लड़ाई के बहुत सारे इस तरह के वाकये हैं
इस तरह की मेरी यादें जुड़ी हुई हैं लड़ाई के साथ, और काफ़ी कुछ मैं बता सकता हूँ, लेकिन चंद एक इंसिडेंट्स जो हैं जो मेरे मेमोरी में हमेशा घर कर गया, जो बिल्कुल ही उसको उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये कि मैं लद्दाख स्काउट्स के साथ था उस समय, और ये 97 से लेके 99 तक मैं लद्दाख स्काउट्स के साथ जुड़ा रहा। तो 1999 में फिर कारगिल की जब लड़ाई हुई तो मैं फॉक्सवॉट कंपनी या एडॉक कंपनी के नाम से जाना जाता था, वो कंपनी जिसको मैंने लीड किया था लड़ाई में, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मुझे हमेशा इस लड़ाई में जो शहीद हुए थे उनकी याद हमेशा आती है, हवलदार शिवांग रिक्सिन वीर चक्र, तो उन्होंने जो काम किया था उसमें और जिस बहादुरी से उन्होंने मुल्क के लिए अपनी जान दी, तो वो उसको मैं कभी नहीं भूलूंगा। और उनका वाक्य था, उन्होंने बोला था जब वो लड़ाई के लिए प्रोसीड कर रहे थे, जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि फौजी जो है डिसिप्लिन हमें हमेशा ध्यान रखना है, और हमारा टर्न आउट वगैरह इस तरह का होना चाहिए बढ़िया कि अगर हम पकड़े भी गए तो पाकिस्तान सोल्जर जो है वो बोले ये इंडियन आर्मी का सोल्जर है। तो वो वाक्य जो है हमेशा याद रहता है, एक सोल्जर जो है हमेशा, चाहे मतलब वो सर्विंग हो चाहे रिटायर्ड हो, हमेशा सोल्जर ही रहता है और अपने मुल्क से उतना ही प्यार करता है जब वो सर्विस में था। तो ये जो है चीज़ मतलब हमें वहीं से पता चलता है कि कितना जो है डीपली फौज के जो संस्कार है, जो वैल्यूज हैं उसकी हम कदर करते हैं, और वो एक एक तरह से मतलब वो बिल्कुल घर कर जाता है, घर बना देता है हमारे पूरे रोम रोम में। तो ये मैं कहना चाहूँगा उस वाक्य से यही सिद्ध होता है। थैंक यू। के जरिए आप एक आज के इस प्रोग्राम के माध्यम से हम जितने भी यहाँ पर आए हुए वीर नागरिक से एक सर्विसमैन है और आसपास के किसान भाई हों, उन सब के लिए हमारे संस्थान में जितने भी टेक्नोलॉजी से खासकर एग्रीकल्चर और एनिमल रिलेटेड सबको जितना हो सके लोगों को बता रहे ताकि उन सब में जागरूकता फैले और उन सब में अपने अपने आमदनी बढ़ाने का ऑप्शन उनको मिले। थैंक यू सर। सीरियस हो रखा है और स्माइल भी करना है।